नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। एक बार आप ज़रूर इसे बनाकर देखें, ये बिल्कुल पुओं से भी बहुत अच्छा लगता है। इसे हम बहुत कम मसालों में बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रोटी के पोहा। 4 से 5 रोटी लेंगे और इन्हें हम मीड़ कर तैयार करेंगे। आप हाथ से भी मीड़ सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं इनको। इन्हें हम यहाँ पर अच्छे से तोड़ेंगे और मसल मसल कर इन्हें बारीक कर लेंगे। हम इन्हें यहाँ पर हाथ से मीड़ रहे हैं, आप इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मगर इसका स्वाद हाथ से बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी रोटियों को मीड़ कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के थोड़े बड़े से आलू लिए हैं। इनसे इन रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए आप ही भी थोड़े ज़्यादा ही आलू डालें। 3 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं हमने, ये भी रोटी में अच्छी लगती हैं। 4 से 5 हरी मिर्ची लिए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। हमने दोनों टमाटरों को काट लिया है, हरी मिर्ची को भी काट लिया है, प्याज को भी अच्छे से काट के ले लिया है और आलू को भी काट के अच्छे से धुल के हमने ले लिया है। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। यहाँ पर हम जीरा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सौंफ का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। सौंफ अच्छे से भुन गई है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। यहाँ पर हरी मिर्ची को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। प्याज थोड़ी भुन गई है, इसमें अब हम आलूओं को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें। अब ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर। बीच बीच में आलू को चेक करेंगे हम कि पके के नहीं, 1-2 बार देखेंगे इनको ऐसे। अब हमारे आलू पक गए हैं, अब इनमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम अच्छे से पकाएंगे। ढक्कन ढक के पकाएंगे इसे अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक। सारी चीज़ें पक चुकी हैं, अच्छे से एक बार और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारी रोटियों को डाल देंगे हम। इन रोटियों के पोहों में हम बिल्कुल कम मसाले डालेंगे, तो हम यहाँ पर डालते हैं 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मिर्ची पाउडर। आधी चम्मच हल्दी पाउडर,
और थोड़ा सा नमक, क्योंकि रोटियों में पहले से नमक रहता है, इसलिए नमक कम ही डालेंगे। यहाँ पर आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डाली है। अब अच्छे से सारे मसाले को और रोटियों को मिला लेंगे ताकि रोटियों पे सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए हमारी रोटियों में अच्छे से मसाला मिल गया है और हमारे रोटी के पोहा बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे बचे हुई रोटी से, बासी रोटी से कितने अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी पोहा बनकर तैयार हुए हैं। इसे भी हमारी कभी रोटियां बच जाती हैं तो कोई खाने को तैयार नहीं होता, इसलिए आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर आप कब बना रहे हो मेरी तरह रोटी के पोहा, एक बार ज़रूर बनाना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।